दोस्तों फिलहाल सर्दियों का मौसम चल रहा है जिससे रेल यातायात काफी सुस्त पड़ गया है। पुराने समय में अगर आपको याद होगा कि सर्दियों के सीजन में ट्रेन्स की रफ्तार काफी धीमी हो जाया करती थी जिस वजह से ट्रेन्स को कैंसिल तक करने की नौबत आ पड़ती थी। कोहरे में रेल हादसों की संख्या भी काफी बढ़ जाया करती थी जिससे हर साल रेलवे को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता था। इससे निजात पाने के लिए रेलवे ने लोकोमोटिव्स में हाल ही में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि फॉग सेफ्टी डिवाइस 2019 में ही इंडियन लोकोमोटिव्स में इंट्रोड्यूस हो चुके थे पर 2020 में इसको RDSO सर्टिफिकेशन भी मिल गया। बात करें सर्दियों की तो सभी स्टेशन पर विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट लगाया जाता है जो स्टार्टर से लगभग 180 मीटर दूरी पर होता है। जब भी स्टेशन मास्टर इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते तब फॉग कंडीशन डिक्लेयर कर दी जाती है। इस तरह की कंडीशन में बहुत तरह के नियम रेलवे निर्धारित करती है जैसे फॉग कंडीशन में ट्रेन की रफ्तार किसी भी हालत में 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अत्यधिक घने कोहरे की कंडीशन में 30 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम रफ्तार होनी चाहिए। आपने हमारा वो वीडियो तो जरूर देखा होगा जिसे ऊपर मैं आई बटन में दे रहा हूँ जिसमें एक ही दिन यानी 2 जनवरी 2010 को 5 ट्रेन घने कोहरे की वजह से हादसे का शिकार होती हैं। इन सब समस्याओं का इलाज ढूंढ रही रेलवे को आखिरकार एक ऐसा उपकरण मिल ही गया जो घने कोहरे में भी लोकोमोटिव्स का मार्गदर्शक बन सकता था जो ट्रेन की धीमी होती रफ्तार को बढ़ा सकता था, हादसों में कोहरे की संभावना को घटा सकता था। यह डिवाइस था फॉग सेफ्टी डिवाइस। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये फॉग सेफ्टी डिवाइस और ये कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। फॉग सेफ एक नई पीढ़ी का GPS नेविगेशन डिवाइस है जो लोको पायलट को घने कोहरे की स्थिति में भी नेविगेट करने में मदद करता है। ट्रैक पर रखे हल्के विस्फोटक, डिटोनेटर, होम सिग्नल और आ रही किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में चालक को चेतावनी देते हैं, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे मानव रहित फाटक या फिर ट्रैक में चल रहा कोई काम आदि बिना चेतावनी के गंभीर रूप से बाधित हो सकते हैं यदि चालक घने कोहरे में विचलित हो जाता है। फॉग सेफ GPS पोजिशनिंग का इस्तेमाल करते हुए ड्राइवर को उसकी लोकेशन और लैंडमार्क के बारे में भरोसेमंद तरीके से अलर्ट करता है। फॉग सेफ डिवाइस के यूजर्स कुछ इस प्रकार है। ये डिवाइस बेहतर सुरक्षा के साथ कोहरे के दौरान सेक्शन में ट्रेन्स की आवाजाही में सुधार लाता है। लोको पायलट द्वारा सिग्नल मिस कर जाने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है इस डिवाइस के इस्तेमाल के बाद से। सिग्नल आने पर ड्राइवर को पहले से अलर्ट कर देता है ये डिवाइस। घने कोहरे के दौरान मानव रहित फाटकों पर लोको पायलट को ये डिवाइस अलर्ट कर देता है जिससे जो रोड यूजर्स हैं उनको सेफ्टी मिलती है। इस डिवाइस में सभी रूट्स का डेटा सेव रहता है जिसे एक बार इस डिवाइस में रूट फीड कर देने के बाद उस रूट में आने वाले सभी मैंड, अनमैंड, आउटर, होम, स्टार्टर, रन थ्रू और एडवांस स्टार्टर सिग्नल्स सब की जानकारी रहती है। ऐसे में अगर ड्राइवर कभी कोहरे में संदेह में आए तो उस डिवाइस की मदद से जान सकता है कि उसकी लोकेशन क्या है और अगला सिग्नल कितनी दूरी पर है, जिस हिसाब से ट्रेन की स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अनमैंड क्रॉसिंग को हॉर्न बजाते हुए ट्रेन और रोड ट्रेवलर दोनों की सेफ्टी इंश्योर कर देता है ये डिवाइस। बैटरी सहित 1.5 किलो के RDSO सर्टिफाइड इस डिवाइस में एक एंटीना होता है जो लोकोमोटिव्स में इंस्टॉल करने के बाद लगा दिया जाता है जो सीधा GPS से कनेक्ट होता है। इस डिवाइस की स्क्रीन पर हर समय ये पता चलता रहता है कि ट्रेन जिस लोकेशन में है उस सेक्शन में स्पीड रेस्ट्रिक्शन कितनी लगाई गई है, तो इस तरह हादसों की संख्या पर रोक लगाने का काम कर रहा है रेलवे, जिसका सीधा फायदा हमें देखने मिल भी रहा है। अब पहले की तरह बहुत ज्यादा ट्रेन्स कैंसिल नहीं होती और लेट लतीफी की समस्या में काफी सुधार आई है। तो दोस्तों ये थी जानकारी फॉग सेफ्टी डिवाइस के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।